हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईयर के टाइम पर गुलाब जामुन ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन इस न्यू ईयर पर। आप भी अपने घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिना स्किप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन बनाना। तो सबसे पहले हम खोआ लेंगे और मैदा और सूजी। मैंने यहाँ 1 किलो खोआ लिया है और लगभग 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सूजी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है। मैं फंक्शन के लिए ये गुलाब जामुन बना रही हूँ। आप अगर 250 ग्राम खोआ लेते हैं तो आप उसमें तकरीबन 50 ग्राम या 50 ग्राम से थोड़ा कम मैदा और सूजी लगाकर उसे अच्छे से मथ सकते हैं। और इसकी अच्छे से, जैसे कचौड़ी की लोई बनाते हैं, हमें इसी तरह से मथकर अच्छे से लोई बनानी है। लोई बनाने के बाद हमें जो एक मार्केट में बड़े वाले बतासे आते हैं, एक छोटे वाले बतासे आते हैं, तो छोटे वाले बतासे जो हैं वो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगे, वो गुलाब जामुन के बतासे होते हैं। और बतासे के गुलाब जामुन बनाने से आपके गुलाब जामुन जल्दी ख़राब नहीं होते। और अगर आप इलायची के या चिरौंजी भरकर गुलाब जामुन बना रहे हैं तो वो आपके जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ हम बतासे का यूज़ करेंगे। तो हम जैसे कचौड़ी भरते हैं, इसी तरह से हमें गुलाब जामुन में एक बतासा रखकर अच्छे से फोल्ड करके और गोल शेप में आकार बनाकर रख देना है। हेलो दोस्तों, हम बना रहे हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और जो हमारी ये लोई है इसमें हमने बतासा भरा हुआ है, इसको फोल्ड करेंगे राउंड शेप में और से राउंड करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब कढ़ाई का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए, धीमी गैस पर इसको सेकेंगे। रसगुल्लों को हमें इस तरह से सेकना है कि ब्राउन करना है कलर। तो देखिए ये रसगुल्लों की कलर ब्राउन हो चुका है। और कलछी को हमें इस तरह से चलाना है कि रसगुल्ले फूटे ना, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते से। तो देखिए ये हमारा सिक चुके हैं और इनको हम इस तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे। तो देखिए रसगुल्ले बनाना इतना भी कठिन नहीं है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है रसगुल्लों का। और इसे गरम गरम चाशनी में ना डालें, गरम गरम चाशनी में डालेंगे तो ये फूट जाएंगे। ठंडे होने पर इसे चाशनी में डालें रसगुल्लों को। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे रसगुल्ले सिककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। चाशनी हमने इस तरह से बनाई है, 2 ग्लास पानी और 1 किलो करीबन चीनी डाली है। और उसमें ये आपको दिख रहा है, ये हमने इलायची डाली है जिससे इसकी सुगंध अच्छी आए। तो चाशनी को हम गर्म कर लेंगे और रसगुल्ले हमारे सिककर ठंडे हो चुके हैं। ठंडे रसगुल्ले को हम गर्म गर्म चाशनी में डालेंगे। चाशनी को हमें एक तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए ये एक तार आ चुका है। हमने एक एक करके रसगुल्ले
चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसमें चाशनी जब तक चल जाए तब तक इसको डूबे रहना है। चाशनी में हमने एक एक करके रसगुल्ले डाल दिए हैं गर्म गर्म चाशनी में। और चाशनी में रसगुल्ले डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है और जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको निकालना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ये रसगुल्ले गर्म गर्म चाशनी में डूबे हुए और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम देखेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट रसगुल्ला बना है।